नमस्कार दोस्तों, आखिर में जिस वो कहते हैं ना कि वो घड़ी जिसका इंतज़ार था आ गई टाइप का एक गाना है, जिसका तुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। और देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे ये कोई अलग टाइप की चीज़ नहीं लग रही है। अच्छा तब लगा था जबकि 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन अब ये जो आए हैं, खिलौने आते हैं, ये मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। ये है सिल्वर बटन, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कन्फ्यूज हुए थे, उन्होंने गोल्ड समझा था, और ये है गोल्ड बटन। गोल्ड बटन होता है बड़ा भाई सिल्वर बटन का। और जब आप 10 लाख आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको गोल्ड प्ले बटन ये लोग देते हैं, क्रिएटर्स अवार्ड इनकी एक स्कीम है। तो आज हम जो है इस गोल्ड प्ले बटन को खोलेंगे, और अकेले खोल के नहीं देखेंगे, जब खोल के देख रहे होंगे तो आप भी इसमें हमारे साथ रहेंगे। गोल्डन प्ले बटन, इसको खोलना शुरू करते हैं। बहुत नॉर्मल बॉक्स है, यहाँ से मारेंगे यहाँ से। और ये भी अब प्ले बटन की पैकिंग खोलने के भी एक्सपर्ट हुए हम। इसमें भी उसी तरह की एक काली प्लेट है, और ये एक चिट्ठी है, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह लिखा हुआ। और इसमें नील मोहन जो हैं, जो यूट्यूब के चीफ हैं, उनके दस्तखत हैं, जो दुनिया भर में उनके बॉस हैं। और ये है हमारा गोल्डन प्ले बटन, और ये बटन जो है वो आप देख लें, ये हमको मिला है। अब इसकी पन्नी वन्नी खोलने का हमको आइडिया भी नहीं है, और वैसे भी हम ये ज़्यादा सजा वजा कर रखते नहीं हैं। तो ये था गोल्ड प्ले बटन जो YouTube ने हमको भेजा है, और ये आप ही लोगों का है। और अब अगला जो पड़ाव है हमारा, जब हमको इसके बाद अगला जब रिवार्ड मिलेगा तो वो 10 मिलियन पे मिलेगा, यानी 1 करोड़ जो सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मिलेगा, वो होगा डायमंड प्ले बटन। वो इससे भी भारी होगा, इसका वजन जो है वो करीब मान के चलिए कि 1.5 किलो तो है। और वो छोटा होता है, कांच का होता है, एकदम ठोस होता है, और वो बड़ा दिखने में चमकीला होता है, और उसमें डायमंड कट्स लगे होते हैं। आपने आज तक की थीम देखी होगी, तो वो उसमें जो कट्स हैं, डायमंड्स वाले कट्स हैं, वो वहीं से इंस्पायर्ड है। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस पर अपनी राय दे सकते हैं, टिप्पणियाँ दे सकते हैं, और इसी तरह से मोहब्बत बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, समर्थन करते रहें। मुश्किल होता है किसी के लिए भी आज के दौर में एक ऐसा चैनल बनाना और उस पर समर्थन हासिल कर लेना जो किसी एक तरफ नहीं है। या तो आप मोदी भक्त हो जाएं, अर्रा के आपको मिलियंस में सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, या आप बगैर किसी आधार के उनको कोसना शुरू कर दें। मेरे चैनल में हम व्यवस्था विरोधी चैनल हैं, व्यवस्था की कमियों को लोगों के सामने लाते हैं, और वो कमियां जहां भी हों, जैसी भी हों, उसमें कोई भी पार्टी हो, ज़रूरी नहीं है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी की ही व्यवस्था में कमी है, कहीं पे भी कुछ भी दिखता है तो उसको दिखाते हैं। क्योंकि हम जन पक्षधर बनना चाहते हैं, जनता के पक्ष में काम करना चाहते हैं, ना लेफ्ट रहना चाहते हैं, ना राइट रहना चाहते हैं, ना लेफ्टिस्ट बनना चाहते हैं, ना राइटिस्ट बनना चाहते हैं, हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। अपनी मोहब्बत बनाए रखिए, परिवार को बढ़ाते रहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो आप पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।